अस्सलामुअलैकुम, आज मेरे पास ये होंडा एनबॉक्स आई वी है और ये मॉडल है 14 का और रजिस्ट्रेशन है 17 की। ये लोडेड वाली गाड़ी है, आज हमारे पास आई वी है, क्लाइंट की है, ना फॉर सेल है, थोड़ी सी यूज़ कार है बट 660 सीसी। तो मैं आज आपको इस गाड़ी के हवाले से कुछ डिटेलिंग में बताऊंगा और जिनसे आपको ये गाड़ी चाहिए वो रابطہ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके फ्रंट पे लेके चलता हूँ, जो इसका लाइट है और बम्पर्स है। अच्छा जी, लोडेड है, ठीक है, HID लाइट है विद लैंप लाइट है, खूबसूरत सी इन्होंने ग्रिल दी है, थोड़ी सी यूज़ है तो पॉलिश रिक्वायर्ड है। बम्पर्स में इसके फॉक लाइट नहीं है, टायर्स में रिम नहीं है, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट रिम लगवा सकते हैं। रिट्रैक्ट मिरर आ जाते हैं इसके अंदर और कॉम्पैक्ट सा लुक है, लोडेड है, सिल्वर कलर में ये हमारे पास दस्तयाब है। अच्छा, इसके जो अभी शीशे देख रहे हैं ये ओरिजिनल ब्लैक जैपनीज प्रिंटेड होते हैं, तो प्रिंटेड कराए नहीं है ये। बैक कैमरा गाड़ी में आ जाता है, क्रिस्टल लाइट्स आ जाती हैं, बम्पर्स में रिफ्लेक्टर्स आ गए, तो इसकी अब हम पीछे की कैपेसिटी देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे स्पेयर व्हील एडजस्ट कर सकते हैं प्लस, लेकिन यहाँ पे अब एयर पंप वाला सिलसिला है तो माशाल्लाह स्पेस अच्छी है। पहले मैं स्पेस दिखा दूँ आपको, ठीक है जी, ये स्पेस में आ जाती है। पहले मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, सीट एडजस्ट होते हैं यहाँ से आपके, ओवरऑल कैपेसिटी देखी जाए तो अच्छी कैपेसिटी है। कैपेसिटी अच्छी खासी है। चलो मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ आप कुछ। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें मल्टी स्टीयरिंग आ जाता है, एंड्रॉयड पैनल आ जाता है, क्लाइमेट एसी इसके अंदर जो लोडेड वाली है उसमें क्लाइमेट एसी आ जाता है आपके पास, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर है, पुश स्टार्ट, ये गाड़ी आ जाती है हमारे पास, ये इसका मीटर, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, सिटी ब्रेकिंग असिस्ट आ जाता है, पावर विंडोज और रिट्रैक्ट मिरर, इसके अंदर रिट्रैक्ट मिरर आपके आ जाते हैं, एयरबैग आ जाता है, पॉलीमर है गाड़ी, डैशबोर्ड इसका प्लास्टिक,
साइड पे स्पीकर्स आ जाते हैं आपके, और इसका जो सोफ़ा सीट, गाड़ी सोफ़ा सीट के अंदर है, आर्मरेस्ट आ जाता है, तो दोस्तों ये गाड़ी आज हमारे पास है, माशाल्लाह यूज्ड कार है, जिन साहब को गाड़ी चाहिए ये गाड़ी अवेलेबल है, मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना चार्जर लगा सकते हैं, इसके अंदर आप मैक्स 3 kg तक का कुछ भी आपका जो भी मील है वो आप रख सकते हैं। गाड़ी में एयरबैग आ जाता है, इको मोड भी है, मीटर इसका एनालॉग है, एसी वेंट्स देख लें। चले आइए अब मैं आपको इसका इंजन रूम दिखाता हूँ। इंजन रूम दिखाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा गाड़ी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इसकी फ्रेम क्वालिटी। सोफ़ा सीट के अंदर गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये, माशाल्लाह। चले मैं आया, मैं इसको आपको इंजन रूम दिखाता हूँ। चलिए इसका इंजन रूम देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये गाड़ी जो है 660 सीसी है आज के टाइम के हिसाब से, फ्यूल एवरेज इसका कुछ होगा आपके 15-16, और अगर आप पेट्रोल एसी पे चला रहे हैं तो आपको 14 भी देगी शहर में। ड्राई बैटरी है इसके साथ। तो गाइस ये थोड़ा यूज्ड कार है, ब्रांड न्यू नहीं है, ये फॉर सेल आई है। जिन साहब को गाड़ी चाहिए वो रब्ता करने में आपको, जिन साहब की गाड़ी है उनसे रब्ता करवा दूँगा। फ्रेम क्वालिटी देख लें पहले, तो कहीं से लगी भी नहीं है, एक्सीडेंटल कार नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे सब्सक्राइब और लाइक की रिक्वेस्ट है, और जिन साहब को ये गाड़ी चाहिए वो मुझसे रابطہ कर सकते हैं। तो मैं जो है, जिनकी गाड़ी है आपका कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी है से रابطہ करवा दूँगा। ये गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, और मेरे ख्याल से इसमें 2 से 3 पीस होंगे जो जापान से होंगे। डॉक्यूमेंटेशन पूरी है इस गाड़ी की, कंप्लीट फाइल है, अपना इंजन है, 2014 का मॉडल हो जाता है, और ये 17 की रजिस्टर्ड है, जी पैकेज है, कीलेस। उम्मीद करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।